सो हे गाइस, कैसे हो यार आप सब। तो आज फाइनली मैं काफी दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, और आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने फाइनली फोर व्हीलर ले ली है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो शोरूम गए और वहाँ पर हमने बुकिंग करी थी। आज से करीब 3 महीने पहले की बात है, 10 मई की प्राइस वगैरह डिस्कस करी और आगे। तो उन्होंने हमको वहाँ पर 3 महीने का टाइम पीरियड बताया था कि 3 महीने की वेटिंग है। तो जुलाई 25 को हमको दोबारा कॉल आया कि आपकी गाड़ी आ चुकी है। तो फिर हम उस दिन गए, उस दिन हमसे वहाँ पर फॉर्मेलिटी वगैरह कराई थी, बहुत सारे कागज पर साइन कराए, मतलब मेरे हाथ ही दुखने लग गए, इतने ज्यादा साइन करवाए थे। तो फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो जाने के बाद में अगले दिन उन्होंने फिर से हमें कॉल करके बुलाया कि आप एक बार गाड़ी को देख के चले जाओ और एक्सेसरी वगैरह जो भी लगवाई वो भी चेक कर लेना। फिर हमने उस दिन डिलीवरी नहीं ली क्योंकि डिलीवरी मैंने 13 अगस्त की रखी हुई थी। 13 अगस्त को मेरा बर्थडे था, अगर आपको पता नहीं है तो। फिर हम 13 अगस्त को निकले, अपनी i20 के अंदर फैमिली मेंबर थे वो पहले पहुंच गए थे, और जैसे शोरूम पहुंचे तो वहां पर गाड़ी बिल्कुल रेडी खड़ी थी। और आपको बता दूं, मैंने स्कॉर्पियो S11 क्लासिक बुक करी थी। तो अब आप एंजॉय करो इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। पर्दा हटाने के बाद में उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी चाबी भी दी। उनको पता था पहले से कि मेरा बर्थडे भी आज, फिर वहाँ पे केक भी लेके आए। और इसके बाद में प्लान बन गया, तो हम डीजे पिकअप भी लेके आ गए। तो इसके बाद हम वहां से निकल गए डीजे पिकअप के साथ में अपना काफिला लेकर। सबसे पहले गए पेट्रोल पंप, टंकी फुल कराई सबसे पहले गाड़ी की। और फिर वहां से हम निकल गए घर की तरफ। घर का टाइम था हमारा 12:15 का। 12:15 को हमको गाड़ी को शाम ही लेना था, उसकी पूजा वगैरह करनी थी। मैंने घर पे पहले कॉल कर दिया था, तो घर वाले पहले ही तैयार थी, हमारे घर की औरतें वगैरह जो भी है हमारे फैमिली मेंबर। मेरी बहन ने पूजा करी गाड़ी की। और उसके बाद में एंट्री करी मैंने गाड़ी को अंदर। और फिर इसके बाद में हम सीधा ही, क्योंकि संडे का दिन था तो गणेश जी के, हमने गाड़ी को दुकाने के लिए भी निकल गए। तो गणेश जी के पहुंचने के बाद वहां पे भी पंडित जी आए, गाड़ी की वहां पर पूजा करी। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। और वहीं पर फैमिली वाले डांस भी करने लग गए। फिर वहां से निकलने के बाद शाम को बर्थडे पार्टी का भी रखा हुआ था हमारा सारा प्लान, तो शाम को फिर हम निकल गए बर्थडे पार्टी के लिए। तो वहां पे भी मूड बन गया, तो फिर हमने वहां पर फिर से डीजे पिकअप बुला ली। गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर मैंने उसी के ऊपर ही पटाखा छोड़ा और उसी के ऊपर ही केक काटा।
और सब कुछ अच्छे से हो गया आपके आशीर्वाद से आगे।